भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में चने की जिन किस्मों की सिफारिश की गई है उसमें पूसा 322, 256, 372, 391, पूसा चमत्कार, पूसा काबुली 1003, सम्राट, विजय, वैभव, उदय, संगम, मधुर, वरदान, गुजरात चना 4, पंथ काबुली चना 1, हरियाणा चना 1, हरियाणा काबुली चना 2, JD 16, जवाहर काबुली चना 1 प्रमुख हैं। कृषि विभाग से संपर्क कर उपलब्ध चने की किस्म की जानकारी लें। चने में जड़गलन और मलानी रोग से बचाव के लिए कार्बेडाजिम 2 ग्राम या थेरम 2.5 ग्राम या टप्सिन M 1 ग्राम या थेरम व बैनलेट का मिश्रण 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेतों में दीमक का अंदेशा हो तो 40 किलोग्राम बीज में 300 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस BCC दवा मिलाकर बीजों को उपचारित करें। बीज को राइजोबियम से उपचार करने के लिए 2 लीटर पानी में 300 ग्राम गुड़ उबालें। इस घोल के ठंडा होने पर उसमें 600 ग्राम जीवाणु कल्चर मिलाएं। बीजों को फैलाकर इस घोल की परत बीजों पर चढ़ाएं। उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर 12 घंटे के भीतर बुआई कर दें। सबसे पहले फफूंदी नाशी, फिर कीटनाशी और उसके बाद कल्चर से बीज का उपचार करें। देशी चने की बुआई के लिए 30 से 35 किलोग्राम, काबुली चनों में 35 से 40 किलोग्राम और देर से बुआई के लिए 40 किलोग्राम प्रति एकड़ उपचारित बीज की आवश्यकता होती है। बारानी चने की बुआई भूमि में नमी का ध्यान रखते हुए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करनी चाहिए। सिंचित चने की बुआई अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। सिंचित चने की बुआई अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुआई कतारों में करें। देशी चने की कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तो काबुली चनों में 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। असिंचित चने को 7 से 10 सेंटीमीटर गहरा व सिंचित चने को 5 से 7 सेंटीमीटर गहरा बोएं। बुआई देशी हल या सीड ड्रिल से कर सकते हैं। स्वस्थ समर्थ बने किसान।